Now next interesting example of getCS functions. In this case, we are reading simply password from keyboard, which is not visible at the time of enter this password. Means how to reading invisible password. Consider this one is example of how to reading invisible password. How to reading invisible password. Read this. First of all, जैसे इस कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, फर्स्ट वन एग्जीक्यूटिंग मेन फंक्शन, जैसे ही मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो इसके रिस्पेक्ट में कंट्रोल का जाए इनसाइड बॉडी ऑफ मेन, मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले परफॉर्म कराएंगे मेमोरी एलोकेशन फॉर दिस एरे कैरेक्टर एरे. सिंस पासवर्ड एक सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल में असाइन करना पॉसिबल नहीं, इसलिए पासवर्ड को रीड करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, एरे ऑफ कैरेक्टर्स. वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल्स अबाउट एरे इन लेटर क्लासेस. टिल नाउ सिंपली इस केस में सिंपली आप कंसीडर कर सकते हो कैरेक्टर टाइप के टोटल 5 वेरिएबल्स या 5 बाइट्स क्रिएट होंगे. हाउ मेनी बाइट्स इज क्रिएटेड हेयर, एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर 5 कैरेक्टर्स. सपोज दैट इस एरे का वेरिएबल का बेस एड्रेस है 100, नेक्स्ट बाइट एड्रेस 101, 1023 एंड 104. देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरे, नेम ऑफ दिस एरे इज कम्प्लीटली PWD. और इस एरे का कंप्लीट नेम क्या है, PWD. पासवर्ड, फर्स्ट लोकेशन को आप एक्सेस करोगे बाई नेम PWD ऑफ 0, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट लोकेशन इज PWD 0, इंडेक्स ऑफ सेकेंड कैरेक्टर इज 1, PWD ऑफ 1, PWD ऑफ 2, PWD ऑफ 3, PWD ऑफ 4. मीन्स स्पेस कम इसलिए मैं राइट करूँ लाइक दैट. मीन्स इसको राइट करने के वे क्या होगा, PWD ऑफ i. यार i इज एनी इंडेक्स ऑफ दिस एरे. नेक्स्ट वन, इनिशियली जब ये एरे क्रिएट हुआ है एरे के केस में सारे के सारे डिजिट्स कैसे, ऑल आर गार्बेज कैरेक्टर्स. नेक्स्ट वन, सेकंड स्ट्रिंग प्रिंट एफ गिव योर पासवर्ड. नाउ दिस मैसेज इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, गिव योर पासवर्ड डिटेल्स, गिव योर पासवर्ड. जैसे मैसेज डिस्प्ले हुआ इनिशियली कर्सर काम लिंक करेगा ऑन द दैट पोजिशन ऑफ द मॉनिटर. नेक्स्ट वन, अगेन वी आर रीडिंग 4 कैरेक्टर्स यूजिंग getCS. ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया getCS के थ्रू जब भी कोई कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करें तो एंटर टाइमरी वैल्यू आपको विजिबल नहीं होगा. मीन्स इस केस में कैरेक्टर इंसर्ट तो होंगे या कीबोर्ड से प्रेस तो होंगे लेकिन आपको एंटर टाइम पर विजिबल नहीं होंगे. हाउ डू प्रोसेस दिस. नेक्स्ट वन, कॉलिंग, वी आर कॉलिंग getCS. तो getCS के केस में getCS इंटरेक्ट किससे हो रहा है, getCS will interacting with keyboard. Means इस particular case में getCS function किससे interact होगा, interacting to the keyboard. Keyboard के case में प्रेस किया suppose ने password as something A. इस case में password enter करना चाहता हूँ ABCD. इस case में प्रेस किया something character as A. या pressing some key ए. जैसे की प्रेस हुआ स्पेस अभी कर्सर का पोजीशन चेंज हुआ क्या, नहीं, कर्सर अभी भी काम लिंक करा ऑन द सेम पोजीशन, सेम पोजीशन में लिंक करेगा. नेक्स्ट, लेकिन मैं प्रेस क्या कर चुका हूँ इस केस में ए, आफ्टर दैट इससे सिंपली रीड क्या हो जाएगा, आस्की वैल्यू ऑफ ए विच इज 65. नाउ 65 इज असाइन टू द इन प्लेस ऑफ PWD ऑफ 0, मीन्स दैट प्लेस, इस प्लेस पर असाइन क्या हो जाएगा, आस्की वैल्यू ऑफ ए 0 इंडेक्स. नेक्स्ट वन, अगेन फिर से कॉल क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर से अगेन क्या कॉल हुआ, getCS फंक्शन. getCS फंक्शन में इंटरेक्ट किससे हुआ, कीबोर्ड के केस में नेक्स्ट टाइम फिर से प्रेस किया सम की एस बी, बी जब नेक्स्ट टाइम बी प्रेस कर बी भी अभी विजिबल हो रहा है क्या, नॉट विजिबल. देन डायरेक्टली रीड होगा आस्की वैल्यू ऑफ बी विच इज 66 विच इज असाइन टू द वेरिएबल एज पासवर्ड ऑफ 0, पासवर्ड ऑफ 1 इंडेक्स. 1 इंडेक्स में सामने मीन स्पेस पर इनिशियलाइज किया जाएगा एज 66 और इट इज इक्वल टू ए एंड बी. नेक्स्ट वन,
Again, we are reading next character using keyword. Keyword से next time character read होगा again. फिर से मैंने paste किया suppose that character as C, not visible to the on the monitor. Then return क्या हुआ ASCII value of C which is 67 assigned to the second index of this array. 67 means equivalent to character C. Next time फिर से कॉल किया get cs, अगेन मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया समथिंग कैरेक्टर एस डी, अगेन इट इज नॉट विजिबल टू द मॉनिटर और ऑन द मॉनिटर. रीड क्या हुआ इसे 68 असाइंस टू द वेरिएबल और लोकेशन पासवर्ड इंडेक्स 3 68 इक्वेलेंट टू डी. नीचे इस पासवर्ड को कंसीडर करेंगे एज अ स्ट्रिंग. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइम इस स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए उसके बाद नल कैरेक्टर लास्ट पोजिशन में लास्ट इंडेक्स में असाइन किया हो रहा है नल कैरेक्टर एज अ स्लैश जीरो. ASCII वैल्यू ऑफ स्लैश जीरो इज इक्विवेलेंट टू जीरो. इस नल का ASCII वैल्यू क्या रहता है जीरो इस नल कैरेक्टर. नेक्स्ट वन, उसके बाद अभी लाइन चेंज नहीं हुआ, कर्सर अभी ब्लिंक कहाँ कर रहा हूँ द सेम प्लेस. लाइन चेंज करने के लिए मैं इस प्लेस पर यूज कर रहा हूँ इंटरनली स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन के अकॉर्डिंग लाइन चेंज हुआ. देन कर्सर कहाँ आ जाएगा ऑन द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन जब प्रिंट टैब के थ्रू मैसेज डिस्प्ले हुआ, मैसेज के अकॉर्डिंग पास क्या किया मैंने नेम ऑफ दिस एरे पासवर्ड मीन्स एज अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग पासवर्ड के प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ इट्स बेस एड्रेस विच इज 100. तो परसेंट एस के अकॉर्डिंग परसेंट एस के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे कैरेक्टर विच इज स्टोर्ड 100 एड्रेस ऑन बोर्ड. 100 के केस में क्या स्टोर है ए प्लस इस एड्रेस से कैरेक्टर्स कब तक रीड होंगे जब तक नल नहीं मिल जाता. तो फाइनली परसेंट एस के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा ए कंटिन्यूसली क्या फाउंड हो रहा है बी सी डी मीन्स स्टोर्ड कैरेक्टर विजुअल जब तक नल फाउंड नहीं होता. तो फाइनली इससे मैसेज क्या होना योर फोर डिजिट पास इज ए बी सी डी दिस वन इज एज आउटपुट योर फोर डिजिट पासवर्ड इज ए बी सी डी मीन्स सिंपली से डिस्प्ले क्या हो रहा है वैल्यू ऑफ दिस एरे पासवर्ड नथिंग एल्स.